हाँ एक खुर्शीद भाई कलानी अरे आप लोग हटिए अरे तो आप लोग हट जाइए ना। अरे आप लोग हट जाइए ना। अरे प्रकाश जी थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अरे भैया ऐसे नहीं होता है ना, थोड़ा सा पीछे आइए, पीछे आइए ना भैया। कैसे लाइट निकाल लगे आप किसी में जाइए ना भैया, से कैसे नीचे कर लो भैया, पीछे हुआ है ना, कैसे पीछे कर। अरे हमने अंदर भैया खास कर मेरे ऊपर क्या क्या नहीं कहा गया, बहुत सारी बातें करी गई और हमारे कई पत्रकार मित्रों को ये ठीक नहीं लग रहा था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जो इतनी बात कही जा रही है और हम लोगों के जो विपक्ष में है कैसी कैसी बात बोल रहे हैं, और जब पत्रकार बंधु पूछेंगे तो इन लोगों पर प्रतिक्रिया पूछेंगे तो ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है। मैं किसी के वक्तव्य पर कोई प्रतिक्रिया देना मुनासिब करना मुनासिब नहीं समझता हूँ। और हमने कहा कि सोचा कि भाई जनता मालिक है, अब वो जनता अपने मत को प्रकट कर देगी, उसके बाद कोई बात रखेंगे। तो समाज में एक तनाव और कटुता पैदा करने की पूरी कोशिश की, आपको अंदेशा था, लोगों ने काम के आधार पर सिर्फ लोगों का समर्थन, आपको अंदेशा था इतने सीटों का कर रहे थे क्या, इतनी अंदेशा क्यों किसी चीज के बारे में, नहीं सीट्स का हमने तो कहा कि बीच में कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो बातचीत। राहुल गांधी लालू जी के बारे में तो एक पार्टी के रूप में हम लोग स्टैंड प्रकट के साथ खड़े थे, और एनडीए को जो जबरदस्त रूप से विक्ट्री मिली है पूरे देश में और खास करके बिहार में, एनडीए को जैसी विक्ट्री मिली है तो ये इसके लिए हम लोग तो बिहार की के लोगों को, बिहार की जनता को, सभी मतदाताओं को इसके लिए हम लोग खास तौर पर धन्यवाद देने के लिए प्रकट हुए हैं, और अपना ये कमिटमेंट व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं कि जो जिस तरह से जन समर्थन हम लोगों को मिला है एनडीए को, वैसी स्थिति में हम लोग अपनी जिम्मेवारी को तो गंभीरता से निभाते रहें, और ज़्यादा हम लोग और जोर के साथ गंभीरता के साथ अपनी जिम्मेवारी आपसे जो निकल कर गए हों चाहे ये समझ लीजिए, बहुत लोगों को बहुत चीज़ों का भ्रम होता है, अब उस भ्रम को क्या करें। 2015 में भी लड़ाई लड़े तो लड़ाई लड़े तो किसके नेतृत्व में बिहार में, और लड़ाई लड़े हुआ, और इसके बाद जो मेरे ऊपर कहा, मेरा क्या क्या नामकरण किया, क्या क्या नहीं मेरे बारे में कहा गया। अरे भाई हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हम लोग न करेंगे ना कॉम्युनलिज्म से करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे, हमने तो कहा था कि ये जो चार्जेज हैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो एक्सप्लेन तो कर नहीं सके, तो चार्ज शीटेड हो गए, तो अगर एक्सप्लेन करते तब ना। अब उसके बाद फिर हमारा पहले बीजेपी के साथ बहुत लंबा संबंध था, बीच में जरूर अलग हो गया, जब अलग हुए और उसके बाद फिर बीजेपी के साथ संबंध हुआ तो हमने क्या कहा, ये बिहार के लिए, और आप बताइए कि जो पिछले समय से अब तो 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद से बिहार में के ग्रोथ के लिए जिस तरह से काम हुआ है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सहयोग भी मिला है, ये तो बिहार के लिए, तो जो कुछ भी किया है बिहार के हित में किया है। विशेष राज्य का दर्जा क्या पहले उस चुनाव से पहले दिलवा देंगे? देखिए अभी तो मतदान के जो नतीजे आ रहे हैं और इसके बाद तो 25 तारीख के बाद की खबरें आ रही है, उसके हिसाब से केंद्र में सरकार बनेगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और एनडीए की सरकार बनेगी, और फिर जो नेतृत्व करते हैं उनकी भूमिका है कि वो जो
समर्थन में पार्टियां हैं उन पार्टियों को सरकार में साथ रखना चाहेंगे तो उसमें क्या कठिनाई, कोई खास बात तो है नहीं। और अभी आप जानते हैं दो दिन पहले ये लोगों की क्या भावना, ये लोगों को समझ लेना चाहिए। जिस तरह से इस चुनाव के दौरान और चुनाव के पूर्व जिस ढंग का अभियान चला करके कटुता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही थी, और सबसे बड़ी कठिन की बात है कि जनता ने इस चीज को नकार दिया, यानी बिहार में प्रेम का और सौहार्द का ही भाव रहेगा और आधे से अधिक लोगों का एक ही जनमत है। वो ऐसी स्थिति में एक स्पष्ट तौर पर बिहार के लोगों ने अपनी भावना प्रकट कर दी है और हम लोगों ने अपनी बात रखी। हम लोगों ने तो चुनाव में जो लोगों से मतदान की अपील की, समर्थन की अपील की, वो इसी आधार पर किया कि केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने जो काम किया और पिछले 13 वर्षों से राज्य में हम लोगों ने जो काम किया उसको ध्यान में रखते हुए ही अपना मत प्रकट करें। और देख रहे हैं कि जिस ढंग से लोगों ने मतदान करके अपनी भावना को प्रकट किया है तो इसके लिए ये हम लोगों के लिए और भी इसने जिम्मेवारी बढ़ाई और मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि लोगों की ये जो भावना है और हम लोगों के काम के प्रति जो उन लोगों ने समर्थन व्यक्त किया है, इसलिए हम लोगों की प्रतिबद्धता अपने जनता की सेवा के प्रति और ज़्यादा मजबूती के साथ रहेगी और हम लोग बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। समाज में प्रेम का माहौल रहे, कटुता का माहौल नहीं पैदा हो, तो ये बिहार के लोगों ने अपने मत मतदान के जरिए इस बात 2020 में के दर्जा की बात है। जो बैठक थी उसमें भी हमने इस बात को रख दिया है कि जो राज्यों का पिछड़ापन उसको दूर करने के लिए विशेष पहल कर बात को बहुत जोर दिया है। एक तो जो राज्य जैसे बिहार जैसे वैसे बिहार में विकास का काम बहुत हुआ और बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम विकास की ओर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी यह नहीं कहा जा सकता है कि हम पिछड़ेपन से निकल चुके। तो ऐसे राज्यों को पिछड़ेपन से निकालने के लिए विशेष पहल की जानी चाहिए। हमने एनडीए की बैठक में भी कहा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी व्यक्त किया है कि नहीं, जो राज्य पिछड़े हैं और खास करके ईस्टर्न रीजन के, उनके लिए विशेष तौर पर काम करना है। ये सारी बात हुई है उसमें, उसके अंदर ये बात हुई। और एक सुझाव हमने वीमेन एम्पावरमेंट पर भी दिया है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करना चाहिए क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है, तो हम सब के लिए काम तो कर ही रहे हैं और देश भर में सारी बात हुई। तो ये दो चीज़ों के बारे में, एक तो जो राज्य आज भी पिछड़े राज्य की कैटेगरी में है, श्रेणी में है, उनको वहाँ से निकाल कर विकसित राज्य में बदलने के लिए, उनको उत्क्रमित करने के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए विशेष पहल होना चाहिए और उसको पूरी संभावना है जो सरकार बनने जा रही है उसमें इस बात की जरूरत है। हमने अपनी बात रखी है, सब लोगों ने रखा है और एक मत था और ये दो दिन पहले आज तो हो रहा, हम लोगों ने तो उसी समय कह दिया था कि आपका स्ट्रेंथ पिछली बार की तुलना में बढ़ेगा। हमने खुद भी कहा और हम लोग बाहर भी कहते थे बीजेपी का भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एनडीए का भी कोशिश करेंगे। सीट बढ़ी है और एनडीए की सीट बढ़ी। मुख्यमंत्री जी, कुछ ऐसे